गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों आज पेड़े बनाए गणपति बप्पा को चढ़ाने के लिए अभी, और बाज़ार से सामान लेने गए थे, अभी आके बनाए रात में, आप लोग देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सवेरे सवेरे का काम मेरा शुरू हो गया है। आज सवेरे उठते ही बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठे बन गए हैं मेरे। सबसे पहले तो एक गाय की रोटी बन गई, और थोड़ा और ये भिंडी की सब्जी, चाय पी ली, और ये थोड़ा मलाई हुई थी एक डोंगा में, तो मैंने सोचा शुद्ध थोड़ा सा घी बना लूं। आजकल थोड़ा बन रहा है उनके लिए, पप्पा के लिए शुद्ध साफ घी घर ही में बनाती हूँ ऐसे तो मैं, और एक हफ्ते से बना रही हूँ। अब ये ढक के रख दिया मैंने, और फिर मैं जा रही हूँ बाज़ार को, और शाम को बनाऊंगी ये, और सामान लाने जा रही हूँ शाम को मैं। पेड़े बनाऊंगी आज भोग लगाने के लिए, और थोड़ा अंधेरा हो गया, बारिश आने का भी पूरी संभावना है। अरे घर से जाने तक हमको लेट हो गया था, और एक बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ हाईवे में तो सामान खरीदना है, सामान भी सब खत्म हो रहा है, और शाम को आके मेरे को घर में आके दिया बत्ती करना है पापा के, और फिर कुछ बनाना है उनके लिए। आज सामान लेने जा रही हूँ, और रास्ते में जितना भी दिखा मेरे को मैंने फ़ोटो ले लिया। कभी कभी बाहर जाओ अच्छा लगता है। आधे रास्ते में पहुंच गए हम, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा बहुत अच्छा मौसम। ये मौसम के लिए तो हम तरस गए थे लखनऊ में, और मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कभी कभी बाहर निकलो तो ठेले भी अच्छे ही लगते हैं, कहीं पर मक्के हैं, कहीं गोलगप्पा हैं, कहीं कुछ बने हैं, तो ये भी अच्छे ही लग रहे थे रात के समय में। हम लेट हो गए घर आके, हमको काम भी करना है, घर ही से लेट हो गए थे हम लोग, और अब पहुंचने वाले हैं। हम लगभग पहुंच ही गए हैं अपना सामान वामान लेने के लिए, उसे टाइम तो कुछ नहीं लगता है यहाँ पर, फटाफट हो ही जाता है। और पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पर, हमने अपनी गाड़ी आड़ी रखी, और अंधेरा हो गया अच्छी तरह से। अरे राम रे, ये रात कौन सा नज़ारा ऐसा है। ये पेन से पहुंच गए हैं हम लोग, अब अंदर को जाना है यहाँ से सामान के लिए। अब एक टोकरी रख लेंगे, ये तो लो, सामान अमान लेके आए तो दरवाजे में पहुंचे तो इतनी जोर की बारिश हो रही थी, तो हम लगभग एक घंटा हमको इधर ही रह गया है। पूरा इतना जोर की बारिश आ रही है, सभी अंदर ही रह गए हैं, और हम लोग तो इतना भीग के पहुंचे, इतनी जोर की बारिश हो रही है, रात भी काफ़ी हो गई, चिंता हो रही है घर पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। तो हम लगभग यहाँ से मैंने फिर कोशिश किया, हम लोग आ रहे हैं, फिर घर आके हम लोगों ने काम किया, उसके बाद दिया बत्ती करने के बाद मैंने उनके लिए भोग बनाने के लिए, इसमें फिर 2 कप मैंने दूध लिया, वहीं से मैं सामान लेके आई थी, मिल्क मेड लाई हूँ, और इसमें 2 कप दूध में मैंने 1.5 कप लगभग मिल्क पाउडर डाला है,
और मिल्क पाउडर इसको हम अच्छी तरह से फेंट देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हल्के से आंच में डेढ़ कप डाल दिया हम मिल्क पाउडर। अब पापा जी के लिए, वैसे मैंने हमने सब खाना ना खा के पूरा किचन साफ करने के बाद तो इसलिए बनता है। अभी मेरा घी बनाना भी बाकी है, तो सबको खाना ना खिलाने के बाद बहुत रात हो गई, तो मैं ये रोज़ ही वही करती हूँ, रात को किचन साफ करके शांति से अपना बनाती हूँ। तो दूसरे दिन सवेरे उठ के नहा धो के दिया बत्ती करके तब जाके और चढ़ाते हैं प्रसाद। अभी देखो मेरा ये गाढ़ा गाढ़ा बनने लग गया, इसमें साथ में ही एक कप चीनी डाल दिया, वैसे मीठा इसमें रहता ही है, ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेरे को चलाते चलाते लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं इसको, और ये अभी अच्छा सा गाढ़ा बन गया है और बहुत अच्छी मिठाई बनी आज। और इसमें आप थोड़ा सा एक चम्मच घी डाल दूंगी मैं, और साथ साथ में मैंने मक्खन मलाई कैसे बनाते हैं वो भी दिखा रखा है, वो बहुत अच्छा बनाया मैंने। एक चम्मच घी डाला तो ये डालते ही देखो इतना अच्छे से एक में लग वे पूरा समेट गया, वो पूरा अच्छे से एक ही बन गया, ये पूरा एक डो जैसा बन गया है। लगभग आधे घंटे में मेरा ये बन गया, बहुत अच्छा बना। आप लोग भी बना के देखना, कुछ सामान भी नहीं लगता है, जल्दी जल्दी से बन भी जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है, और पापा खुश। और देखो फिर आज रात क्या बनाऊंगी, अभी मेरा ब्लॉग आने में भी थोड़ा लेट ही हो गया, थोड़ा काम ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो टाइम भी कम ही मिल रहा है। दोस्तों देखना आप लोग अच्छी तरह से, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर देना। अभी बन गया ये अच्छी थे, और इसको हम एक प्लेट में खाली कर देंगे, और प्लेट में खाली करने के बाद थोड़ा बहुत गर्म है ये, इसको ठंडा करने में टाइम लगेगा। लगभग 15-20 मिनट इसको ठंडा करने में लग गया। फिर मैंने इसके छोटे छोटे से गोल से रोल बनाए थे इसमें, और चाकू से थोड़ा छोटे छोटे पीस करके काट लेंगे और इसको एक अच्छा सा शेप दे देंगे गोल गोल। ये कितने अच्छे पेड़े बन गए हैं, और कोई देर भी नहीं लगी। आप लोग बनाना तो बहुत अच्छा लगता है ये घर में, कभी कभी मीठा खाने का मन लग किया तो बना के रख लिया, स्टोर करके कौन सा ख़राब हो रहे हैं ये लोग। ये कैसा लगा आप लोगों को बताना, गणपति बप्पा मोरिया। और अभी मेरा एक काम बचा है, बप्पा जी सवेरे उठ के मैंने चढ़ाए थे, और इसके बाद मैं ये मलाई मैंने मशीन निकाल के सवेरे जो मैंने गलाया था मलाई में मैंने गरम करके उसमें एक कटोरी भर के दही डाल के उसको फेंट के शाम तक के लिए बंद कर दिया। दही जम जाती है उसके बाद ये इतना अच्छा क्रीम निकल जाता है इसमें, और साथ में एक जग मट्ठा भी बन गया, और इतना अच्छा बन गया फटाफट। घी घर में पूजा उजा के लिए मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है, वैसे भी मेरे को मैं हफ्ते दो हफ्ते में निकाल लेती हूँ मलाई मक्खन से तो घी, तो अपना अच्छा से चल जाता है मेरा तो। अभी शुद्ध साव अपने घर की चीज़, मेरे को तो बाहर का अच्छा भी नहीं लगता है, घर ही में बनाती हूँ मैं तो घी। आप मेरे पूजा के लिए अच्छा खासा हो गया ये, कैसा लगा आप लोगों को मेरा चैनल बताना। बाय बाय करती हूँ, खुश रहो हमेशा, बाय बाय।